हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विवेक अवस्थी व्लॉग्स। दोस्तों, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे सिक्किम में स्थित लाचेन के बारे में। दोस्तों, व्लॉग शुरू करें उसके पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, व्लॉग पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और अपने कमेंट्स भी शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्लॉग लाचेन के बारे में। दोस्तों, लाचेन करीब 9000 फीट के एल्टीट्यूड पर स्थित है। सिक्किम में लकड़ी के घर, सुंदर पहाड़ों के दृश्य, दर्शनीय चरागाह लाचेन को परिभाषित करते हैं। यह एक अनएक्सप्लोर्ड भूमि है और सबसे शांत जगहों में से एक है। यहाँ पर आप एकांत का आनंद ले सकते हैं और इस स्वर्ग जैसी जगह में प्रकृति की आवाज भी सुन सकते हैं। यह उत्तरी सिक्किम में स्थित है और सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। अगर आप शांति का अनुभव करना चाहते हैं तो आप लाचेन जाएं। लाचेन जाने के लिए निकटतम प्रचलित हवाई अड्डा बागडोगरा है, जो लाचेन से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। और अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, जो 195 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, लाचेन जाने के लिए सबसे पहले आपको गैंगटोक जाना होगा और गैंगटोक से आपको इनर लाइन परमिट ILP की आवश्यकता होगी, जिसे आप अपने ट्रैवल एजेंट से ले सकते हैं। और एक दिन आपको गैंगटोक में गुजारना होगा। गैंगटोक में गुजारने के बाद अगले दिन सुबह सुबह आप लाचेन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। गैंगटोक से लाचेन करीब 107 किलोमीटर दूर है और वहां पहुंचने में करीब 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। दोस्तों, गैंगटोक से लाचेन के रास्ते में आपको सुंदर वाटरफॉल मिलेंगे और सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा, जो 7 बार अलग अलग ऊंचाइयों पर रुक कर गिरता है, इसलिए इसको सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल बोलते हैं। दोस्तों, गैंगटोक से 35 किलोमीटर दूर पैक्योंग विलेज में भी एक एयरपोर्ट खुल गया है, जो कि लाचेन से ज्यादा नजदीक है, लेकिन अभी सारी फ्लाइट्स यहां तक नहीं आती हैं। अगर आप पैक्योंग एयरपोर्ट आएंगे तो आपके 5-6 घंटे बच जाएंगे। ये एयरपोर्ट करीब 15,000 फीट की हाइट पर है और भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले एयरपोर्ट्स में से एक है। दोस्तों, लाचेन के साइट सींग प्लेसेस में सबसे पहले है लाचेन गोम्पा। यह सबसे प्रसिद्ध मठों और तिब्बती इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मठ में वार्षिक मास्क नृत्य का आयोजन किया जाता है। यह 1858 AD में बनाया गया था और बहुत ही सुंदर व्यू प्रदान करता है। इसे रंगीन झंडों से सजाया गया है। आप यहां पर शांति का अनुभव करेंगे। दूसरी फेमस जगह है गुरु डोंगमार लेक। यह एक पवित्र झील भी है और जो कंचनजंगा पर्वतमाला के बीच में स्थित है। यह सिक्किम के सबसे उल्लेखनीय और सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इस झील की एक आश्चर्यजनक बात यह है कि कितनी भी सर्दी हो, यह झील जमती नहीं है। इसके पीछे मान्यता है कि गुरु डोंगमार ने ऐसा आशीर्वाद लिया था। गुरु डोंगमार झील अपनी धार्मिक और सुंदरता दोनों के लिए बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा एक जगह है थांगू घाटी। यह आप तब जा सकते हैं अगर आप ट्रैकिंग पसंद करते हैं। नॉर्थ सिक्किम में स्थित यह खूबसूरत घाटी लाचेन में एक फेमस ट्रैकिंग पॉइंट है। यह घाटी बर्फ से ढकी हुई चोटियां, घुमावदार धाराओं का घर है और इसकी सुंदर भव्यता अद्वितीय है। घाटी के चारों ओर ट्रैकिंग ट्रेल्स दुनिया भर में हर जगह से लोगों को आकर्षित करते हैं। यहां पर आप वन्य जीव जंतु और पक्षी भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक जगह है चोपता वैली। दोस्तों, एक चोपता उत्तराखंड में है और एक चोपता घाटी सिक्किम में भी है। ये करीब 13,000 फीट की हाइट पर है और पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है। इसके अलावा एक फेमस जगह है सोलहामो झील। गुरु डोंगमार झील से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर यह झील भारत की सबसे आश्चर्यजनक झील है और पूरी पृथ्वी पर 14वीं सबसे उल्लेखनीय झील है। बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरी यह झील का नीला पानी एक बहुत ही मनोरम दृश्य प्रदान करता है। यह झील तिब्बत से काफी नजदीक है।
इसलिए यहाँ जाने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है और अगर मौसम ठीक हुआ तभी यहाँ जाना संभव हो पाता है। इसके अलावा एक जगह है ग्रीन लेक ट्रैक, ये भी तभी जब आप ट्रैकिंग लवर हो तो। ये करीब 16,400 फीट की हाइट पर स्थित है, नॉर्थ ईस्ट का एक वंडरलैंड बोला जाता है। सुरम्य झीलें, ऊंचे पहाड़, हरियाली और घने जंगलों से घिरी यह झील वास्तव में स्वर्ग की तरह नजर आती है। लाचेन के नजदीक ग्रीन लेक एक ऐसा तराशा हुआ हीरा है जो कंचनजंगा और अलग अलग हिमालयन शिखर के अद्भुत दृश्यों को दिखाता है। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन लाचेन के बारे में। अगले ब्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलेंगे। मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दिए। चलिए दोस्तों अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।